Shubhra Singh Children Academy. Student, today's your subject is maths and today's your topic is clock time from chapter 12. Okay, measurement of time पढ़ रहे हैं हम. इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारे videos बना के दिए. Measurement time में हमने पहले क्या पढ़ा? Day time, night time. उसके बाद हमने क्या किन चीजों को सीखा कि डे टाइम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओके, डे टाइम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ये आप बात अच्छी तरह से जान रहे हैं. फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जो हमारा फर्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मॉर्निंग. ओके, सेकेंड पार्ट जो हमारा हो जाएगा डे टाइम का, हमने जो है डे टाइम और नाइट टाइम को 2-2 पार्ट में डिवाइड किया, तो पूरे वन डे को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में. तो डे टाइम का 2 पार्ट है, तो आपको याद होगा कि फर्स्ट कौन सा है? मॉर्निंग है. ओके, सेकेंड हमारा हो जाएगा आफ्टर नून. ओके, सेकेंड हमारा आफ्टरनून हो जाएगा. तो ये हमारा कौन सा टाइम हो गया? ये हमारा 2 पार्ट जो है डे टाइम है. डे टाइम, क्लियर? एक बार देख लीजिए. तो डे टाइम नाइट टाइम हमने पढ़ा. ये हम आपको रिवाइज इसलिए वीडियो में करा रहे हैं स्टूडेंट की, ताकि आप अगर थोड़ी बहुत चीजों को भूल रहे हैं तो उन सारी चीजों को फिर से आप लर्न कर लें. ओके, तो सेकेंड थिंग हमारा आ जाएगा. तो ये तो हो गया डे टाइम. ठीक, डे टाइम को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया. चलिए आते हैं नाइट टाइम पे. तो हमारा नाइट में हो जाएगा इवनिंग. ओके, इवनिंग शाम. और फोर्थ हमारा हो जाएगा नाइट. ओके स्टूडेंट, तो ये जो 2 पार्ट हमारा इवनिंग और नाइट, ये कौन से पार्ट में आएगा? डे टाइम में आएगा कि नाइट टाइम में? चलिए बताइए मुझे. ये मॉर्निंग और आफ्टरनून तो हमारा डे टाइम में हो गया. ओके, इवनिंग एंड नाइट हमारा कौन सा टाइम होगा? डे टाइम होगा कि नाइट टाइम होगा? वेरी गुड, आपको शायद पता हो ये हमारा नाइट टाइम है. ओके, तो मैंने बताया था आपको डे टाइम में क्या क्या चीजें होती हैं. डे टाइम में सूरज जो है, सन हमारा आसमान में शाइन करता है, चमकता है सूरज आसमान में. ओके, और नाइट में क्या होता है, हमें आसमान में क्या दिखाई पड़ते हैं? नाइट में हमें तारे, चांद, ये सारी चीजें हमें नाइट में दिखाई पड़ते हैं. क्लियर? तो हमारा डे टाइम 2 पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट हमारा मॉर्निंग हो गया, सेकेंड हमारा हो गया आफ्टरनून, एंड हमारे नाइट जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है, इवनिंग एंड नाइट. ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, अब तक आपको शायद याद भी हो गए होंगे सारी चीजें, बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे. तो हमारा आज आपका जो चैप्टर जो क्या चल रहा है, हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम में हमारा क्लॉक टाइम चल रहा है. कौन सा टाइम चल रहा है? क्लॉक टाइम चल रहा है. ठीक है, तो क्लॉक टाइम में हमने क्या क्या सीखा पिछली वीडियो में, कि कौन सी निडल, शॉर्ट निडल, लॉन्ग निडल, थिन निडल, ये सारी कौन कौन से निडल है. तो लॉन्ग निडल जो है, सॉरी शॉर्ट निडल से हम स्टार्ट करेंगे. तो जो हमारा शॉर्ट निडल होता है, ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इस चीज को आप लर्न कर लीजिएगा. अ क्लॉक हैज 3 हैंड्स. अ क्लॉक हैज 3 हैंड्स. एक क्लॉक होती है, आपके घर में होगा क्लॉक, आपने देखा होगा क्लॉक है आपके घर में. तो क्लॉक में कितनी निडल्स होती है, कितने हैंड्स होते हैं उसके पास, कितने आपके पास 2 हैंड है, तो निडल्स क्लॉक के पास कितने हैंड्स होते हैं? क्लॉक के पास 3 हैंड्स होते हैं. तो आपके पास तो जो 2 हैंड्स है वो बराबर होते हैं, बट जो क्लॉक के पास जो हैंड्स हैं उसके पास 3 हैंड है, बट 3 हैंड्स उसके बराबर नहीं है. एक छोटा है, ठीक है, और मोटा है, और एक थोड़ा लंबा है, थोड़ा उससे छोटे वाले से थोड़ा सा कम मोटा है, वो लंबा है. और एक आपके पास थिन है, थिन जो एकदम सबसे पतला वाला है, वो लगातार टिक 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 करके चलती है, उसको हम बोलते हैं थिन हैंड, जो सबसे पतला है. तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई. तो आप क्लॉक हैज 3 हैंड्स, ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए. आप क्लॉक हैज 3 हैंड्स, मतलब एक क्लॉक के पास कितने हैंड्स होते हैं? 3 हैंड्स. क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कितने हैंड्स होते हैं क्लॉक्स में, तो आपको क्या आंसर करना होगा? 3 हैंड्स. तो ये चीज आप इस चीज को लर्न कर लीजिए. ओके, अ क्लॉक हैज 3 हैंड्स. ओके, अ क्लॉक हैज 3 हैंड्स. कितने हैंड्स होते हैं? फर्स्ट हमारा हो गया शॉर्ट हैंड. फर्स्ट कौन सा है? शॉर्ट हैंड. और
आपके पास कितने हैंड्स होते हैं? 3 हैंड्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया शॉर्ट हैंड, इसको लर्न कर लीजिए। सेकंड हमारा हो गया लॉन्ग हैंड, सेकंड कौन सा हो गया हमारा? लॉन्ग हैंड। और जो हमारा थर्ड है वो है हमारा थिन हैंड। क्लियर? तो फर्स्ट शॉर्ट हैंड, सेकंड लॉन्ग हैंड एंड थर्ड थिन हैंड। ये आपको क्लियर हो गया? तो आपकी जब भी क्लॉक होगी तो उनको आप देख के पहचान जाएंगे कि कौन सा लॉन्ग है। एक बार देखने की कोशिश करिए, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर में जो क्लॉक लगी हुई है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नजर घुमाइएगा कि कौन सा लॉन्ग हैंड है, कौन सा शॉर्ट हैंड है और कौन सा थिन हैंड है। अगर आप क्लॉक को ध्यान से देखेंगे आज तो आपको वो चीजें दिख जाएंगी। आपकी क्लॉक में एक निडल होगी, एक जो एक निडल एक हैंड होगा वो छोटा होगा, उसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, और जो बड़ी है उसको हम बोलेंगे लॉन्ग हैंड। जो पतली सी है लॉन्ग है, पतली सी है, लंबी है, वो लगातार चलती है टिक 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 टिक, तो वो हमारा हो जाएगा थिन हैंड। ओके क्लियर? तो ये हैंड्स के बारे में हो गया। कि हमारे क्लॉक के बारे में 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना, देख लीजिए। फर्स्ट हमारा क्लॉक है 3 हैंड्स, और उसमें कितने हैंड्स होते हैं? 3 हैंड्स। फर्स्ट हमारा हो गया शॉर्ट हैंड, सेकेंड लॉन्ग हैंड एंड थर्ड थिन हैंड। क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है। अभी हम आप ये जो नीचे हमने क्लॉक बना रखे हैं तो डे टाइम और नाइट टाइम क्लियर हो गया, क्लॉक के कितने हैंड्स होते हैं ये क्लियर हो गया। ये यहाँ पे मैंने क्लॉक्स बना रखे हैं और नीचे टाइमिंग दे रखा है, लिख रखा है। तो अभी इन सारी चीजों को समझने के बाद हम ये जो टाइम लिखा हुआ उसको आपको क्लियर करेंगे कि कैसे कौन सी चीजें कितने, कौन से निडल किस पे होगी, कौन सी हैंड तो कितना बचेगा। ओके, तो चलिए एक चीज और जानते हैं शॉर्ट हैंड के बारे में। शॉर्ट हैंड, द शॉर्ट हैंड शो आर्स, द शॉर्ट हैंड शो आर्स, मतलब जो छोटी सुई है और छोटी सी सुई जो है वो क्या शो करता है, हमें क्या बताता है? वो शो करता है घंटे। क्या शो करता है? घंटे, आर्स। ओके, घंटे। ओके क्लियर? शॉर्ट हैंड से हमें क्या पता चलता है? घंटे के बारे में पता चलता है। एंड लॉन्ग हैंड, द शॉर्ट हैंड शो आर्स एंड द लॉन्ग हैंड शो मिनट्स। ये जो लॉन्ग हैंड है ये क्या शो करता है? मिनट्स। ओके क्लियर? तो जो हमारा लॉन्ग हैंड है वो क्या शो कर रहा है? मिनट, मिनट्स शो कर रहा है। ओके, और उसके बाद जो थिन हैंड है वो हमें क्या शो करता है? क्या शो करता है? सेकेंड, सेकेंड्स। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया। तो जो आप अपने घर में जो क्लॉक है उसको देखेंगे ध्यान से, तो जो आर्स है, जो छोटी सुई है, जो शॉर्ट हैंड है वो हमें घंटे शो करते क्या बताते हैं? कि ये घंटे वाली सुई है। और जो हमारे लॉन्ग हैंड है वो हमें मिनट शो करते हैं। और जो हमारा थिन हैंड है, जो सबसे पतली सुई है, पतली वाली हैंड है, वो हमें क्या शो करता है? सेकेंड शो करता है। ओके, तो सेकेंड से मिनट होते हैं और मिनट से आर्स होते हैं। ये चीज आपका क्लियर है? ओके, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 60 सेकंड से हमारा 1 मिनट होता है और 60 मिनट से हमारा 1 आवर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए एक चीज हम और देखते हैं अपने क्लॉक में। ये देखिए 12 1 2। स्टूडेंट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इस पार्ट को जूम कर सकते हैं वीडियो को और देख सकते हैं, सारी चीज आपको क्लियरली दिखेंगे। तो ये हमारा 12 है, 12 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12, है ना? तो 12 बार। इसके पहले मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं, तो आपने बताया था, आपको पता है, बताया भी था मैंने कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो आज ये जो क्लॉक हम पढ़ रहे हैं ये उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड है। ओके, तो क्लॉक में 12 नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैम क्लॉक में तो 12 नंबर ही है, तो 24 आवर्स कैसे हो गए? तो ये तो 12 आवर्स ही होंगे। बिल्कुल सही स्टूडेंट। तो क्लॉक में क्या होता है, जब सुबह होती है, सुबह से लेकर, सुबह मतलब आपके रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक आपका AM चलता है। ठीक है, तो और उसके बाद दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आपका PM चलेगा। ओके क्लियर? तो पहले जब 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका मतलब एक चैप्टर खत्म आपका, फिर वन से स्टार्ट करते हैं। AM PM में डिवाइड किया गया है, तो इसलिए
तो ये चीजें बनाई गई हैं। तो डे टाइम में जब दिन होता है तो हम कहते हैं ना कि दिन के 12 बज रहे हैं, दिन के 1 बज रहे हैं, दिन के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो ये सारी चीजें दिन के हैं, ठीक है ना। और रात में जब 12 बजते तो अभी 12 बज रहे, रात में 12 बज रहे हैं ना, तो ये चीजें क्लियर करती है। और आप स्टेशन पे अगर जाएंगे तो वहां पे आपको ऐसे बोलने को मिलेगा कि 12 होके 1 से स्टार्ट हुआ और 1 के बाद आपका 1 2 3 4 इस तरह से चलता गया, और फिर जब 12 कंप्लीट हुआ तो फिर आपका हो जाएगा ऐसे 13 14 15, इस तरह से आपका चलने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीजों को आसान करने के लिए ये काउंटिंग दी गई है 12 करके, ठीक है। और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एएम और पीएम। ओके, ये चीज बहुत बड़ी है, ये चीज अभी आपको नहीं समझना है, अभी आप सिर्फ आवर्स मिनट एंड सेकंड्स को समझेंगे। और घर में जो वॉच है उसको केयरफुली वॉच करके देखेंगे कि कौन सी शॉर्ट हैंड है, कौन सी लॉन्ग हैंड है और कौन सी थिन हैंड है। इतना तो आप जरूर आज क्लियर कर लीजिए, आपके घर में अगर वॉच है तो इन सारी चीजों को जरूर आज आप क्लियर कर लीजिए। पहचान लीजिए कि ये छोटी वाली जो है ये शॉर्ट हैंड है, ये घंटे शो करती है हमें आवर्स, और ये जो लॉन्ग वाली हैंड है वो हमें मिनट शो करती है, मतलब जो लंबी वाली मिडिल हैंड है वो हमें मिनट शो करती है, जो पतली वाली हैंड है जो लगातार चल रही है वो सेकेंड वाली हैंड है। इतना तो आज आप अपने घर में क्लियर कर लीजिएगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे हैं, ये जो क्लॉक बना है इसमें आप टाइमिंग दिया गया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये टाइमिंग है आपका 3 o'clock। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें 3 o'clock बजाना है, ठीक। तो 3 o'clock कैसे बजता है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सपोज ये मैंने बीच में पॉइंट किया है, ओके, तो शो करना है हमें 3 o'clock, मतलब 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, शॉर्ट हैंड को बहुत ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट हैंड जो है हमारा उसको हमें कहाँ पे करना होगा, 3 पे करना होगा। ओके, क्लियर, लुक एट दैट। ओके, और लॉन्ग हैंड को हमें कहाँ पे करना होगा, 12 पे करना होगा। ओके, ये आप दिख रहा होगा आपको, तो लॉन्ग हैंड हमारा 12 पे, मतलब ये जो मिनट है मिनट की सुई हमारी 12 पे रहेगी, और जो आर्ट्स की मिडिल है वो हमारी कहाँ पे रहेगी, 3 पे रहेगी, जो शॉर्ट हैंड है, और ये जो थिन हैंड है ये भी हमारे 12 पे ही रहेगी। बट अभी आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में कर दे रही हूँ, लेकिन ये जो थिन वाली हैंड है ये भी 12 पे ही रहती है, ठीक है। तो ये हमारा अभी कितना टाइम शो कर रहा है, 3 o'clock, कितना टाइम शो कर रहा है, 3 o'clock। ओके, कहीं भी कर लो, अगर आप इसको 3 o'clock ऐसे गलत हो जाएगा। और 3 o'clock तब होगा जब ये सेकंड की सुई इधर तक नहीं होगी, ठीक है, ये लॉन्ग हैंड आपकी जो थिन हैंड है वो इधर तक नहीं होगी। तो ये इसका मतलब ये कि जब आपकी ये लॉन्ग हैंड कहाँ पे है, 12 पे है, 12 मतलब क्या होता है, 16 मिनट कंप्लीट हो गया है, तब ये आर्ट्स की जो मिडिल होती है शॉर्ट हैंड वो खिसकती जा रही है, ठीक है। तो आप कैसे पता चलेगा 16 मिनट होती है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि 16 मिनट होती है, तो ये आपका 1 2 3 4 and 1 5, आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, ठीक है, ये 5, ये देखिए इस तरह से। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे मिनट्स वाले पॉइंट हैं। अभी हम आपको काउंट करके भी दिखाते हैं कि कैसे मिनट्स हमारे, ओके। अब देखिए ये 1 2 3 4 5, 5 into 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, and 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50. तो ये हमारा 50 पे आ गया, इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ 12 के बाद से, और 10 पे आया तो हमारा हो गया 50 मिनट कंप्लीट। बट हमारा जो मिनट्स होता है 1 आवर में वो कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो उसमें हम 5 5, 5 10 और प्लस कर ले रहे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 plus 10 is equal to 60 minutes. क्लियर स्टूडेंट, तो ये हमारा 60 मिनट हो गया, क्लियर। तो
लॉन्ग हैंड पहले बना देंगे, कहाँ पे रहेगी लॉन्ग हैंड, चलिए बताइए हमें, लॉन्ग हैंड हमारा रहेगा 12 पे, ओके। और शॉर्ट जो हैंड है वो हमारा कहाँ रहेगा, जो शॉर्ट हैंड है वो हमारा रहेगा 5 पे, इस तरह से, ओके। और ये थ्री वाली कहीं कर दो, इससे कोई फर्क नहीं, फर्क तो बहुत पड़ता है, बट अभी आपके लिए ये जाना है कि ये जो थ्री वाली हैंड है ये इस तरफ ही होना चाहिए, इसी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि यही सेकेंड है, इसी से मेन पॉइंट है। अगर यही नहीं चलेगी तो घड़ी आपकी मूव करेगी नहीं, आपकी मिनट्स और आवर्स वाली हैंड मूव नहीं करेगी। तो अभी बताइए कितना बचा है आपका, ये लॉन्ग हैंड है और ये आपका शॉर्ट हैंड है, ठीक है। तो लॉन्ग हैंड 12 पे है तो कितने मिनट्स हो गए हमारे, 16 मिनट कंप्लीट हो गए। तो 1 आवर हमारा किस वक्त यहाँ चला है, तो हो गया ये 5 o'clock। ये देखिए यहाँ पे कितने बज रहे हैं घड़ी में, 3 o'clock, बिकॉज छोटी वाली जो हैंड है शॉर्ट हैंड हमारी 3 पे है, लॉन्ग हैंड हमारी 12 पे है। अब आते हैं इस पे, तो शॉर्ट हैंड हमारी कहाँ पे है, 5 पे है, और लॉन्ग हैंड हमारा है 12 पे, क्लियर। तो हमारे यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, 5 o'clock, क्लियर। नेक्स्ट है 9 o'clock। अब हमें इस वाले वॉच में कौन सा टाइम शो करना है, 9 o'clock। चलिए बताइए मुझे जल्दी से कि शॉर्ट हैंड किस पे होगा और लॉन्ग हैंड किस पे होगा। शॉर्ट हैंड हमारा ऑफ कोर्स 9 पे होगा, ओके, 9 पे होगा शॉर्ट हैंड, ये देखिए बिल्कुल। और लॉन्ग हैंड कहाँ पे होगा हमारा, 12 पे। जब भी 9 o'clock बजाना होगा आपको वॉच में, तो आपका जो शॉर्ट हैंड है वो 9 पे हो जाएगा, लॉन्ग हैंड ऑलवेज आपका जब भी आपको पूरा कंप्लीट करना है 9 बजाना है, तो आपका लॉन्ग हैंड 12 पे होगा, ओके। तो अब क्या हो रहा है, कितना बज रहा है घड़ी में, 9 o'clock। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ये सेकंड वाले से, है ना, ये चलो मैं आपके समझने के लिए ब्लैक कर दे रही हूँ। तो ये आपका जो थिन वाला है पतला वाला, ये आपका सेकंड वाला है, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर। अब आते हैं अगले पे, 11 o'clock। अब हमें इस वाले वॉच पे कितने बजाने हैं, 11, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, बजाते हैं 11। तो 11 बजाने के लिए हमें क्या होगा, 11 o'clock शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, शॉर्ट हैंड को पहले 11 पे करेंगे, ठीक है। आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इस वाले एक्सरसाइज में, ये देखिए। और लॉन्ग हैंड हमारा हो जाएगा किस पे, 12, और सेकंड तो कहीं भी जा रहे हैं थिन वाले, तो ब्लैक से कर दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो सेकंड वाले में दे रहे हैं, ओके। तो लॉन्ग हैंड हमारा 12 पे हो गया और शॉर्ट हैंड हमारा कहाँ होगा, 11 पे हो जाएगा। तो अभी ये क्या शो कर रहा है, 11 o'clock, ओके स्टूडेंट। ये फर्स्ट वाला में 3 o'clock हो रहा है, शॉर्ट हैंड 3 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, और सेकंड वाले क्लॉक में 5 o'clock शो कर रहा है, शॉर्ट हैंड 5 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे। थर्ड वाले क्लॉक में क्या शो कर रहा है, 9 o'clock, शॉर्ट हैंड 9 पे है और लॉन्ग हैंड आपका 12 पे है, तो ये क्या शो कर रहा है, 9 o'clock। नेक्स्ट है अगर शॉर्ट हैंड 11 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे है तो क्या शो कर रहा है, ये हमारा 11 o'clock, ओके। तो शॉर्ट हैंड जिसमें रहती है और उसके बाद लॉन्ग हैंड अगर 12 पे है, तो नंबर आप देख लीजिएगा अपने वॉच में, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। शॉर्ट हैंड जिस पे है पहले उसको देखेंगे कि उतना ही बज रहा है, और लॉन्ग हैंड अगर 12 पे है तो क्या हो रहा है, जैसे 2 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे है, तो कितना हो रहा है, शॉर्ट हैंड आपका 2 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 o'clock, ओके स्टूडेंट, क्लियर। तो ये मैंने आपके पेज नंबर 58 का जो नेकेंड शी द क्लॉक एंड अंडरस्टैंड द टाइम, ये मैंने आपका क्लियर कर दिया, इसके पहले में कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।